नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खास रिपोर्ट का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज लगातार सातवीं बार देश का आम बजट पेश किया, जिसमें वित्त मंत्री ने विकसित भारत का खाका पेश किया। सरकार ने बजट की 9 प्राथमिकताएं तय की, जिसके केंद्र में किसान, रोजगार और मिडिल क्लास रहा। मोदी सर, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था और इस पूरे देश की नजर थी, लेकिन इस बार का बजट आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए कुबेर का खजाना बनकर निकला, जिसमें बिहार की बहार और आंध्र प्रदेश की चांदी ही चांदी हो गई। दोनों राज्यों के लिए मोदी सरकार ने खजाना खोल दिया। एनडीए सहयोगी दलों में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को इस बजट के जरिए केंद्र सरकार ने रिटर्न गिफ्ट दिया है। मोदी सरकार 3.0 ने खोला खजाना। बिहार आंध्र प्रदेश को मिली बड़ी सौगात। नीतीश नायडू को रिटर्न गिफ्ट। बिहार को 47,000 करोड़ की सौगात। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की घोषणा। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके जरिए राज्य का विकास किया जाएगा। बिहार आंध्र के लिए कॉरिडोर, पर्यटन केंद्र, पावर प्लांट, सिंचाई परियोजना जैसी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों पर खास फोकस होगा। वहीं इन दोनों राज्यों पर केंद्र सरकार की मेहरबानी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी, तो किसान के साथ संकट पैदा क्यों होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कॉरिडोर बनेगा, जिसमें गया को औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। गया का केंद्र प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करेगा। ये कॉरिडोर औद्योगिक विकास को कार्यान्वित करेगा। इस मॉडल में विकास भी दिखेगी और विरासत भी झलकेगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि बजट में क्या कुछ आया। फिलहाल बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।